तो आपके सारे वक्ताओं मैं अकेला पत्रकार हूँ और मैं हिंदी का पत्रकार हूँ, सो आई एम गोइंग टू स्पीक इन हिंदी ओनली. सब्जेक्ट इज इफेक्टिवनेस ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल ऑफ मीडिया इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड आई कैन अश्योर यू दैट आई विल स्टिक टू माई टॉपिक ओनली. अभी मैं इसके पहले के सेशन में बैठा हुआ था, श्रोताओं में था, और जो पिछले सेशन में जो बातें हुई तो उसमें ज़्यादातर घूम टहल के जो निष्कर्ष निकला और जिससे कम से कम 5 बेंच के बाद के जो सारे लोग हैं वो निराश हो गए होंगे कि मीडिया की कोई भूमिका नहीं है, ना तो हम किसी तरह का कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, ना तो हम किसी कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए तैयार हुए हैं, और न ही ऐसी कोई सॉफ्टवेयर हमें अब डेवलप की जा सकती है क्योंकि हमारा हार्डवेयर बहुत ख़राब हो चुका है एज ए मीडिया पर्सन. तो मैं इसके ठीक काउंटर आर्ग्यूमेंट के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ. दरअसल असली मुश्किल क्या है कि हमने सार्क देशों का जो पूरा मैनेजमेंट है उसको सिर्फ इंग्लिश मीडिया की नज़र से देखा है. उसको हम राजदीप सरदेसाई की नज़र से देख सकते हैं, उसको हम बरखा दत्त की नज़र से देख सकते हैं, उसको हम थोड़ा बहुत प्रभु चावला जी भी गए उनकी नज़र से देख सकते हैं, उसको हम थोड़ा बहुत अर्णब गोस्वामी की नज़र से देख सकते हैं, और इसी तरह हम हामिद मीर की नज़र से देख सकते हैं, इसी तरह काठमांडू के किसी बड़े अखबार के संपादक की नज़र से देख सकते हैं, और मालदीव भूटान और श्रीलंका के अखबारों की तो नज़र से हम देख ही नहीं सकते. अब सबसे पहले तो ये कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होता किस लिए है और रीजनल कोऑपरेशन किस लिए है. रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का सीधा सा मतलब हुआ कि एक ऐसा एरिया जो कम से कम कल्चरली सोशली एक दूसरे को कनेक्ट करता है और उस कनेक्ट को और ज्यादा मजबूत करने के लिए अलग अलग सोवरिन नेशंस होने के बाद भी एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होती है, और जिसका जो सबसे बड़ा अगर बेस्ट एग्जांपल के तौर पर अगर हम एड्रेस करें तो वो है यूरोपियन यूनियन. दे हैव 62% इंटर यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड वॉट वी हैव ओनली 5%. यानी सार्क के देशों के बीच अगर कुल कारोबार की बात करें तो हम सिर्फ 5% एक दूसरे से बातचीत करते हैं, क्योंकि कारोबार की बातचीत तो होगी ही नहीं उसके पहले हमारी टीवी पे एक वहां का अल्ट्रा एक यहां का अल्ट्रा, और वो मीडिया डिफाइन करेगा कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन सार्क नेशन. एक दूसरा उदाहरण मैं बताता हूं. अगर आपको दिल्ली से और पाकिस्तान के लिए एक ट्रेड करना है, एक सामान भेजना है, कुछ आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो यू नीड टू ट्रेवल 11 times more kilometers. यानी आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आप पहले मुंबई भेजेंगे, फिर वो कहीं दुबई जाएगा, कराची जाएगा, इस्लामाबाद जाएगा, तब वो पहुंचेगा. क्यों? क्योंकि आपने सारे वो रास्ते बंद कर लिए, और वो बंद करने का पूरा जिम्मा मैं ये ठीकरा फोड़ता हूं जो इंग्लिश मीडिया और जो इलीट क्लास रहा जिसने पिछले इतने सालों में देश पर राज किया एज ए पॉलिटिकल एंड एज ए जर्नलिस्ट सेटअप. इस दोनों सेटअप ने मिलकर सार्क नेशन को सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा खिलौना बना दिया है कि जो कभी बात करता है कि हम अमेरिका के पिट्ठू हैं क्या, फिर वो कहता है कि नहीं नहीं रशिया ने अफगानिस्तान में बहुत बड़ा बहुत गलत कर दिया, और पूरी डिबेट कर लेता है. कितनी बड़ी डिबेट हुई कि अफगानिस्तान की पूरी पार्लियामेंट को यूपीए के समय में बनाया गया, और उस काम को उसी तेजी से एनडीए की गवर्नमेंट ने भी किया और नरेंद्र मोदी उसको उद्घाटन करके आए. कितने लोगों ने डिस्कस किया, हाउ मेनी टाइम वी डिस्कस कि हमारे दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है कब आता है, जब प्याज यहां बड़ी महंगी हो जाती है तब हम कहते हैं कि पाकिस्तानी प्याज खाना पड़ेगा, और उसमें भी हम बड़ी शर्म से बोल रहे होते हैं कि पाकिस्तानी प्याज खाना होगा, जैसे वहां की धरती से कुछ और आ रहा है. तो हमारी मीडिया की जिम्मेदारी दरअसल ये है, और मैं थोड़ा सा दुखी हूं, व्यथित इसलिए हूं कि बहुत बड़े बड़े लोग बात कर रहे हैं लेकिन कोई भी सार्क की इन मुश्किलों पर बात नहीं कर रहा है. वो बात कर रहा है नेशनलिज्म की, वो बात कर रहा है कि कैसे एक जेएनयू का मुद्दा बहुत बड़ा हो गया है. अगर कोई राष्ट्र की राष्ट्रद्रोही बातें कर रहा है और उस पर डिबेट हो रही है तो ये सार्क नेशन को कहां से हैम्पर कर रहा है. ये दरअसल आपके अंदर छिपे हुए उस अल्ट्रा लेफ्ट आइडियोलॉजी की मुश्किल है जिसने पिछले 70 सालों में इस देश को यहां लेके आए हैं. और आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास मौका नहीं था. जितने प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जितने सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल इंस्टीट्यूशंस हैं, सब जगह पे सिर्फ और सिर्फ आप बैठे हुए थे. जो दिल्ली में सरकार थी वो भी आपकी थी, आपके नवाज शरीफ से भी रिश्ते थे. अभी एक और उदाहरण मैं आगे बताता हूं. मैं सार्क से हटूंगा नहीं और मीडिया की भूमिका से भी नहीं हटूंगा. ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूरी तरह से ये डिस्कोर्स जो था वो हटा हुआ था. अभी एक
मौका आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक लोगों को पता चला, कह रहे ये क्या हुआ, ये तो अफगानिस्तान गए हुए थे, लाहौर चले गए और शरीफ साहब की भतीजी की शादी में पहुंच गए, ये क्या तरीका हुआ। उसके बाद एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी डेवलप हुई। अब उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का डेवलप होना और उसके पीछे के निहितार्थ से आप समझिए कि सार्क देशों का और खासकर भारत का, क्योंकि 70% हम पॉपुलेशन में है, 70% हम एरिया में है और मोर देन 70% हम ट्रेड और इकोनॉमी में है, इसलिए ज्यादा जिम्मेदारी हमारी होती है। और सबसे बड़ी बात कि 100% हम मीडिया में, आप दुनिया में किसी देश के मीडिया को नहीं देखेंगे लेकिन भारत के मीडिया का जो इलीट है, जो इंग्लिश जर्नलिस्ट है, वो दुनिया में जाकर भारत के नाम पर वो अपनी बातें करता है। अब उसमें कहा क्या गया कि नरेंद्र मोदी की यह मुलाकात नवाज शरीफ से किसने फिक्स कराई थी, सज्जन जिंदल ने। सज्जन जिंदल ने फिक्स कराई, यानी एक इंडस्ट्रियलिस्ट दो देशों के प्रधानमंत्री के बीच की यह वार्ता फिक्स करा रहा है। अब आप इसको निगेटिव नजरिए से देख रहे हैं, मैं इसको पॉजिटिव नजरिए से देखता हूं। हालांकि मैं निजी तौर पर नहीं मानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरह के वो हैं और जिस तरह के व्यवहार करते हैं, किसी को भी फोन किया और उसके हाथ मिलाने पहुंच गए, उस व्यक्ति को नवाज शरीफ जैसे आदमी से जिसको भी उसी तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, उससे बात करने के लिए किसी सज्जन जिंदल की जरूरत पड़ती हो। लेकिन मान लिया मैंने पड़ती है, तो इस देश के मीडिया को क्या यह दिखाना चाहिए था कि इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है और सज्जन जिंदल के व्यावसायिक हितों को पूरा करने के लिए मोदी यहां है, या यह दिखाना चाहिए था कि पाकिस्तान की जरूरत एक भारतीय बिजनेस घराना है जिसके कारोबार को करने के लिए दोनों देशों के प्रधानमंत्री मिल रहे हैं। आपको मेरी बात थोड़ा सा अजीब लग रही है क्योंकि इस पर्सपेक्टिव से इस देश के मीडिया ने कभी बात ही नहीं की। अगर इस पर्सपेक्टिव से हम बात नहीं कर रहे हैं तो फिर क्यों हम चीन से डरते हैं? चीन से असली डर हमें क्या है? चीन से असली डर है हमें कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो डिस्प्यूटेड लैंड है, जिसको ग्रे एरिया बार बार बोलते हैं डिफेंस स्ट्रेटजिस्ट जो है, उस ग्रे एरिया में वो अपने ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चला रहा है। उसकी रेलवे लाइन बन रही है, उसकी सड़क बन रही है, बड़े बड़े डैम्स बन रहे हैं और वो सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसको कैप्चर कर लेना चाहता है। एंड दिस इज द रियल थिंग। अब दुनिया इस पे नहीं जाने वाली है और अगर ऐसा जाने वाली होती तो यूरोपीय यूनियन का जो बार बार मैं उदाहरण दे रहा हूं जिसकी शुरुआत मैंने की, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को इसलिए समझ लिया क्योंकि कारोबार एक दूसरे के साथ करना सीख गए। हम क्या सीखे? हमें यह पता है कि अगर डिबेट में एक वहां का कोई ऐसा आदमी आ जाए जो ये बताए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ कितना अत्याचार कर रहा है, या नेपाल के किसी अखबार में यह छप जाए कि अब जो भारत की सरकार है वो दक्षिणपंथी है और अब जो नेपाल की सरकार है वो वामपंथी है, ये क्लैश अगर हम सुन लें तो हमारी मीडिया की भूमिका होती है। इसीलिए मैं काउंटर कर रहा हूं कि देयर इज वेरी सीरियस रोल ऑफ मीडिया टू मैनेज दीज कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि अगर हम अपनी भूमिका सही आ जाए तो 100% इसको कर सकते हैं। हम पाकिस्तान को सिर्फ जानते हैं कि सर अगर समय मेरा पूरा होगा तो बस एक बार इशारा कीजिए, क्योंकि मैं प्रोफेसर नहीं हूं, मैं पत्रकार हूं, मैं आपकी बात मान लूंगा। नहीं, नहीं, तो मैं बहुत तकलीफ वाला हूं। तो मुश्किल वही है कि आप कैसे देखते हैं दुनिया को। आपको मालदीव का पता तब चलता है भारतीय मीडिया के द्वारा जब वहां कोई एक पुराना सत्ता पे बैठा हुआ दूसरे की सत्ता पलट दे। आपको श्रीलंका के बारे में कब पता चलता है? जब तक वहां लिट्टेर था, जब तक वहां प्रभाकरन था, जब तक वहां तमिलनाडु की सीमा से लगे हुए मछुआरों के डिस्प्यूट्स थे, तब तक आपको पता लगता था। जबकि आपको सोचना चाहिए कि इंग्लिश सार्क की किसी कंट्री की भाषा नहीं है, हिंदी है, तमिल है, मधेशी है, नेपाली है, मालदीव की है, इस तरह भूटान की है, इस तरह की भाषाएं हैं। लेकिन हम बात किस में करेंगे एक दूसरे से? अंग्रेजी में करेंगे। यानी हम वो काम करने जा रहे हैं जो हमारी बेसिक्स में ही नहीं है। और जो वो काम करने वाले हैं वो कहां से गवर्न होते हैं? उनकी सारी की सारी सोच अमेरिका से आती है, रशिया से आती है। भले ही वो कहेंगे कि हम तो सरकारों के पत्रकार हैं और हम ये कह रहे हैं कि इन्होंने इन देशों पर कब्जा कर रखा है। तो दरअसल मीडिया को अपने सोचने का तरीका और खासकर सार्क के रेफरेंस में बहुत ठीक से बदलना होगा। एक और उदाहरण है, अभी ये जब सारी घटनाएं हो रही थी तो अब्दुल बासित साहब यहां आने वाले थे चेन्नई के किसी प्रोग्राम में। अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि हमें देर से इसका जो वहां से एक्सेप्टेंस आनी थी वो स्वीकृति हमें थोड़ी देर से मिली, तो इसलिए हम इसको
नहीं आ रहे हैं, यानी उस प्रोग्राम में आने से उन्होंने मना कर दिया। अब जो भी दोनों देशों के बीच की, इसको क्या आपने किसी भी भारतीय चैनल पे या किसी भी मीडिया में किसी खबर के तौर पर देखा? मुझे तो नहीं दिखी, मैंने तो बहुत खोजा तब ऐसी दो चार घटनाएं मिली। एक और घटना है कराची में फिक्की का, फिक्की यानी जो भारत के तीन चार बड़े संगठन है, CII है, SOCHM है, फिक्की है, छोटे छोटे PhD और दूसरे छोटे छोटे रीजनल चैंबर्स हैं जो दुनिया में अलग अलग डेवलप हुए कि हर देश के कारोबार को उस देश में और फिर दूसरे देशों के साथ दोनों देशों की जरूरत के तालमेल बिठाते हुए उस कारोबार को आगे ले जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेंगे। वो सरकार के साथ मिलते हैं, इंडस्ट्रीज के साथ मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं। फिक्की का एक एग्जीबिशन था जो कराची में कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हुआ? दैट वॉज रिएक्शन ऑफ अब्दुल बासित इंसिडेंट, यानी अब्दुल बासित को जो डिले हुई थी और जिस वजह से वो नहीं आ पाए थे उसकी वजह से वहां उनका फिक्की का एक प्रोग्राम कैंसिल हो गया जो दोनों देशों के बीच कारोबार को बेहतर करने में मददगार होता। आप किसी भी चीज का नाम लीजिए जहां आपको लगता है कि संभावनाएं खोजने के लिए हम अलग अलग बाजार खोजते हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, इन देशों को उन सारी चीजों की जरूरत है जो भारत पूरा कर सकता है और भारत से पूरा होने पर उन देशों को फायदा यह है कि उनको वो सस्ते में होगा और लंबे समय तक एक दूसरे के बीच जो क्या कहेंगे कि भरोसे का माहौल बनेगा उससे और भी बहुत चीजें बेहतर होंगी। लेकिन हम उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। हमारे कल्चरल रिलेशन है, हमारे कल्चरल टाइअप है किसी भी देश का, आप श्रीलंका का उठा लीजिए, उनके कुछ ना कुछ रिश्ते हमारे देश में मिल जाएंगे। कब हुआ कि किसी भारतीय मीडिया ने उस पर खबर दिखाया होगा? वो तब दिखाएंगे जब किसी वक्त राम पे कोई पिटीशन पड़ी हुई होगी तो भगवान राम के कुछ चिन्ह वहां मिले हैं, बजरंगबली के कुछ चिन्ह मिले हैं, सीता जी की रसोई है, सिर्फ ये दिखाएंगे। वो ये क्यों नहीं बताते हैं कि भारत और उसके आसपास के जो देश हैं जिन्हें सार्क कंट्रीज के नाम से जानते हैं यूरोपीय यूनियन से ज्यादा बड़ी और डीपनिंग कल्चरल टाइअप रखते हैं? वो ये क्यों नहीं बताते हैं? वो ये क्यों नहीं बताते हैं कि आप जिस पेशावर के स्कूल की बात कर रहे हैं उसके आसपास की कौन सी चीजें हैं जो सीधे आपको जोड़ देती हैं? क्यों वो सिर्फ धमाका दिखाते हैं? वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, मैं 100% कहता हूं कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वो लोग इसलिए नहीं करते कि वो सार्क देशों की भाषा में बात नहीं कर रहे हैं, वो सार्क देशों की जो बेसिक चीज है उससे ऊपर उठ चुके हैं, वो उसी तरह के लोग हैं। आपको लगता है कि पूरा पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित है, आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में जाकर तो देखिए जैसे लुटियन दिल्ली में लोग मजे कर रहे हैं वैसे ही वहां भी मजे कर रहे हैं। ये 5 बेंच पीछे वालों के लिए यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए ऐसी तैसी डेमोक्रेसी और उसमें 2 गाने सुनिए, आप में से कुछ लोगों ने जरूर सुने होंगे, राहुल राम ने इधर से गाया है और उसका जवाब पाकिस्तान के लोगों ने दिया है। उसमें एक लाइन है कि वहां यहां भुट्टो है वहां गांधी है। तो दिस इज द रियल प्रॉब्लम जिसको कम से कम सार्क देशों का मीडिया कहने से डरता है, वो नहीं बोलता है। जैसे यहां गांधी है वैसे वहां भुट्टो है, यानी इलीट कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में भी रहता है। जहां तक ये बात कि वहां का मुसलमान किसको दोष दे, वहां का मुसलमान अपने को दोष दे। अगर हिंदुस्तान में बाहर के मुसलमान को दोष दे रहे हैं तो वो इसलिए क्योंकि वो लिंकेज मिलते हैं, जयशंकर जी बैठे वो कह रहे थे किसको दोष दे, अरे कोई चमत्कार की बात थोड़ी ना थी। 70 साल से कौन लोग थे जो पूरी जगह पे काबिज थे? 70 साल से कौन लोग थे जो ये काम कर रहे थे कि कौन तय होगा कि ये सांप्रदायिक वो सर्टिफिकेट क्यों बट रहा था, ये राष्ट्रवादी वो सर्टिफिकेट क्यों बट रहा था, ये अंग्रेजों का पिट्ठू वो सर्टिफिकेट क्यों बट रहा था? दरअसल ये प्रमाण पत्र बांटने की परंपरा उसी जगह से आई थी और उसी प्रमाण पत्र बांटने की परंपरा को दूसरे ने लपक लिया। अब जब लपक लिया और वो सत्ता में है तो आपको दर्द हो रहा है, अब आपको मुश्किल हो रही है कि कैसे आप उसको जस्टिफाई करेंगे। नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे क्योंकि गलत अगर आपके समय में सही था तो गलत अभी भी सही होगा। इसको थोड़ा सा मैं और आगे ले जाता हूं। अब इनके हाथ में बहुत कुछ रह नहीं गया जिसमें मैं भी शामिल हूं। मैं जब ये कह रहा हूं कि न्यू मीडिया से इनको खतरा है तो सचमुच खतरा है। ये डरते हैं कि एक खबर आई और उसकी वजह से पूरा का पूरा बड़े बड़े पत्रकार घबराते हैं और इसीलिए वो देखिए तो अपनी डिबेट में वो वही 26 चेहरे लाएंगे जिसकी प्रभु चावला जी बात कर रहे थे। इसीलिए वो उसी तरह की बात करेंगे जो उस एलीट क्लास को उनके सेंटिमेंट को बहुत अच्छे से पोषित करता है। तो मुझे लगता है कि अगर हम इस जो टॉपिक है सचमुच कोई इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और उसमें मीडिया के रोल की बात कर रहे हैं तो अब इस तरह से देखना होगा कि अगर आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, जो अब तक नहीं समझी है, तो उसको नया मीडिया ले जाने वाला है और सिटीजन जर्नलिज्म के जरिए वो चला जाएगा। People to people contact होगा, you cannot avoid, you cannot break।
क्योंकि आपकी वो स्थिति अब नहीं रही है। आप इतने चैनल हैं, यूट्यूब पे वहां से यहां बात हो जाएगी, ट्विटर पे यहां से वहां बात हो जाएगी। मेरे दोस्त कभी नहीं बनते। मुझे कुल जमा दो मौके मिले जब शायद मैं पाकिस्तान जा पाता। एक बार 2003 में जब मैं अमर उजाला में रिपोर्टिंग कर रहा था देहरादून में, तो एक जेएनयू के प्रोफेसर थे, एक भारत पाकिस्तान शांति मंच के तौर पर जाना था, नहीं जा पाया। दूसरा P7 में मैं बिजनेस एडिटर था, तो हमारे एडिटर इन चीफ सतीश जैकब थे, तो चूंकि सतीश जी का उस तरह का ऑरा है और उस तरह का प्रभाव है, तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको पाकिस्तान भेज दूंगा, नहीं जा पाया। लेकिन मैं जब अपनी शादी के बाद श्रीनगर गया, तो वहां जाके मुझे समझ में आया कि एक और चीज है, वो है बाजार। इस चीज को भी नकार देंगे क्योंकि सरोकार खत्म होता है ना बाजार से, तो इतने समय में देश को उन्होंने समझाया है। उस बाजार ने श्रीनगर में रेडियो जॉकी को इतना खूबसूरत बना दिया था कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो उतनी हस्ती चहकती हुई रेडियो जॉकी थी जितनी आपके इलाहाबाद में या दिल्ली में होगी। उसी तरह से नाथू स्वीट्स पे, उसी तरह से नाथू स्वीट्स पे लोग जाके खाना खाते हैं और उसी तरह से डल लेके अगल बगल घूमते हैं। लेकिन मुश्किल कहाँ है? आप उसको आतंकवाद प्रभावित बता दोगे, गोली चलने लगेगी, और गोली चलने लगी तो आपके हित तो सद गए, खत्म हो गया। वहां बेचारे जो सचमुच जिनको पीपुल टू पीपुल कॉन्टैक्ट की बात करते हैं, वो खत्म हो गया, श्रीनगर में नहीं हो पा रहा है। और इसीलिए जब ये सवाल खड़ा होता है कि जेएनयू का नेशनलिस्ट और श्रीनगर का नेशनलिस्ट अलग क्यों है, तो अलग होना चाहिए क्योंकि वहां की ये स्थितियां हैं कि उनके बीच डायलॉग होना चाहिए। और मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं क्योंकि इशारा आ गया है, लेकिन इसलिए खत्म हो दोनों का फर्क है क्योंकि जेएनयू में नेशनलिज्म की डिबेट एंटी नेशन पे चली जाए, ये खतरनाक है। लेकिन वहां का आदमी जो पीड़ित है, जो हम बार बार कहते हैं कि जैसे एक दलित के साथ व्यवहार और एक अपर कास्ट के साथ व्यवहार, क्योंकि अपर कास्ट को सब कुछ मिला हुआ है और फिर भी अगर वो ये डिबेट कर रहा है तो इसका मतलब वो गलत कर रहा है, वो दरअसल हमें पैमाने ही गलत दिखा रहा है। वही हाल जेएनयू का है कि सब कुछ मिलने के बाद वो एंटी नेशनल डिबेट कर रहे हैं। और अगर श्रीनगर का आदमी डिबेट कर रहा है तो वहां ऐसी परिस्थितियां हैं, अगर हम उसको उन संदर्भों देखें। इसलिए उनसे बातचीत करनी बहुत जरूरी है और इसीलिए मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा अगर मैं कुछ ठीक कह पाया हूँ, पता नहीं क्योंकि बहुत कम जानता हूँ और सब में सबसे कम जानने वालों में ही, लेकिन इतना जरूर है कि आप इन लोगों की बात मत सुनिएगा जो आपको ये बताते हैं कि मीडिया कोई रोल नहीं कर सकता है। और आप में से बहुत लोग मीडिया के स्टूडेंट बनने वाले हैं, अपनी बात जहां चाहते हैं जम के लिखिए, आपका बात का असर होगा और इतना असर होगा कि उससे सारे के सारे लोग अपनी सारी धारणाओं को ध्वस्त होते हुए पाएंगे। धन्यवाद।